नमस्कार, आज 5 अक्टूबर है। मैं आपको तारीख इसलिए गिनवा रहा हूँ क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने आज के दिन के लिए वादा किया था कि आपको विंडोज 11 नॉर्मल मार्केट में देखने को मिल जाएगी, तो वो वाकई में असली में आ चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल खरा उतरा है। अब आप विंडोज 11 को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल वगैरह करेंगे, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्टेड है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी आप अपने ब्राउजर पर आ जाइए। विंडोज 11 को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना है, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड। जैसे ही आप लिख के सर्च करेंगे, कुछ वेबसाइटें ओपन होंगी, ध्यान से देख लीजिए, आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। वैसे मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ज़्यादा कष्ट ना करना, वहीं से आना, बिल्कुल छलांग मार के इसके ऊपर पहुंच जाना। अब यहाँ पे आने के बाद ये पेज हमसे पूछ रहा है कि भैया हमारे पास चार चार विंडोज़ हैं, कौन सी वाली लोगे। तो इन तीनों के तो बिल्कुल मज़े हमने चखी रखे हैं, अब बारी है इसकी, इसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो अभी जैसे ही हम विंडोज 11 डाउनलोड करने के लिए इस पेज पे आए हैं, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड के लिए तीन ऑप्शन दे रखे हैं। तीनों में से कौन से वाला काम करता है, इसके बारे में भी मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। सारे ऑप्शन महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें से जो पहले वाला ऑप्शन है, विंडोज 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट, ध्यान से देखिए, यहाँ पे असिस्टेंट का मतलब देख के आप यूँ ही समझ गए होंगे कि इसको क्लिक करने से हमारे पास एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, मतलब एक छोटा सा असिस्टेंट डाउनलोड होगा और वह हमारे कंप्यूटर में विंडोज 11 इंस्टॉल कर देगा। चाहे आपके कंप्यूटर में पहले विंडोज 7, 8 या 10 कोई सा भी डला हो। तो अभी जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और इसमें इस वाले ऑप्शन से अपना इंस्टॉलेशन करने का या डाउनलोड करने का फ़ायदा ये रहेगा कि हमारा कंप्यूटर फॉर्मेट वगैरह नहीं होगा और बिल्कुल आराम से काम हो जाएगा। तो अभी ये डाउनलोड हो चुका है। अब जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे, यस के लिए ऑप्शन आएगा, यस कर देते हैं। अभी ब्राउज़र को थोड़ा क्लोज कर देते हैं, ब्राउज़र को क्लोज करना था हमें, सॉफ्टवेयर क्लोज कर दिया है। चलिए फिलहाल अभी हमारा ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे एक एरर लिखा हुआ आ रहा है, कह रहा है कि अभी आप रिफ्रेश करिए। रिफ्रेश क्यों करने के लिए कह रहा है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अभी कुल मिला के यहाँ पे ये कर रहा है कि आप अपने कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए जो विंडोज 11 की रिक्वायरमेंट को चेक करता हो। तो मतलब एक सॉफ्टवेयर कह रहा है कि आपको दूसरे वाला भी लाना पड़ेगा, जब दो भाई होंगे कंप्यूटर में तभी आपका काम आगे बढ़ेगा। तो विंडोज 11 की रिक्वायरमेंट को चेक करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर और डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, ये हमारा ब्राउजर आ गया। अब यहाँ से हम उसको डाउनलोड करते हैं, थोड़ा ये रहा डाउनलोड का बटन, जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना चाहिए। काफ़ी छोटा था, 13 MB का था, 2 ही सेकंडों में डाउनलोड हो गया है। और डाउनलोड होने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के लिए आप अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में भी जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ से ये रहे दिख रहा है मेरे को, लेकिन मैंने डायरेक्ट यहीं से ओपन कर लिया है। अब इसको इंस्टॉल कर लेना है, यानी कि जो इसका दूसरे वाला सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर को चलने के लिए दूसरे सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। अभी मैं इसको फ़िलहाल के लिए क्लोज करता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है, पहले वाले को। अब यहाँ पे विंडोज 11 हमारे कंप्यूटर में चलेगा या नहीं, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे अब आप चेक नाउ पे क्लिक करिए। अब देखिए हमारे कंप्यूटर में अभी TPM 2.0 नहीं है, जिसकी वजह से हम इस तरीके से विंडोज 11 को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। बाकी CL पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी इंफॉर्मेशन दिखाएगा कि आपके कंप्यूटर में क्या चीज़ है क्या नहीं है। हो सकता है आपके कंप्यूटर में कुछ अलग दिखा रहा हो यहाँ पे भी, या तो बिल्कुल ओके रिपोर्ट दिखा रहा हो। तो अभी फ़िलहाल मैं इसे क्लोज करता हूँ। अगर आपको यहाँ पे कोई एरर मैसेज वगैरह दिख रहा हो तो उसे कैसे सही करना है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, सो चेक कर लेना। तो अभी जैसे कि हमने उस सॉफ्टवेयर को चेक कर लिया था, अब फिर से हम वही अपना विंडोज 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट को ओपन करते हैं, यस किया। तो अब देखिए यहाँ पे इसने भी यही बता दिया है कि भैया आपके कंप्यूटर में विंडोज 11 चलने के लिए कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। तो ठीक है, मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, मतलब पहले वाले तरीके से हमारा काम नहीं बना है, अब हम दूसरे वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब यहाँ पे पहले वाला तो हमारा फेल हो गया है। दूसरा वाला ऑप्शन ये है, क्रिएट विंडोज 11 इंस्टॉलेशन मीडिया, मतलब विंडोज 11 की ISO फाइल हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी इस वाले तरीके से, और उस वाली ISO फाइल को हम अपनी पेन ड्राइव में बूट कर सकते हैं, और उस पेन ड्राइव से हम 36 कंप्यूटर में, चाहे किसी भी कंप्यूटर में, विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी मैं ये डाउनलोड करता हूँ, मतलब इससे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा और वो सॉफ्टवेयर विंडोज 11 की ISO फाइल को डाउनलोड करेगा। तो अभी डाउनलोड हो रहा है, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, ओपन हो जा भाई फटाफट। अभी ये डाउनलोड हो गया है, ओपन किया इसे, यस के लिए ऑप्शन आया, यस कर देते हैं।
ठीक है, हो सकता है ये सॉफ्टवेयर ओपन होने में किसी किसी कंप्यूटर में थोड़ा समय लग जाता है, अगर समय लगे तो इंतज़ार कर लेना, उसके बाद थोड़ा ये घूम रहा है, हो जा भाई घूम जा। चलिए ठीक है, अभी इसकी लाइसेंस एक्सेप्ट कर ली, टर्म्स और कंडीशन वगैरह, एक बार फिर से घूम रहा है ये। तो अभी यहाँ पे ये चेक मार्क लगा हुआ है, इसको हटा देना, इसको हटाते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप वर्जन अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज की डेट में विंडोज 11 का एक ही वर्जन अवेलेबल है और लैंग्वेज अभी आप बदल सकते हैं, तो मैं यूनाइटेड स्टेट कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आया है कि भैया ये आपकी ये जो विंडोज 11 डाउनलोड हो रही है, इसे आप अपने कंप्यूटर में डायरेक्ट यूएसबी के अंदर बूट करवाना चाहते हैं या आप अपनी आईएसओ फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो मैं अभी आईएसओ फाइल को सेव ही कर लेता हूँ, बाकी आईएसओ फाइल हमारे पास जब डाउनलोड हो जाएगी तो मैं उसको अपनी पेन ड्राइव में फिर से बूट करवा के और विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी ये आईएसओ फाइल आपकी कहाँ पे सेव होनी है वो लोकेशन आप यहाँ से सेट कर दीजिए, उसके बाद आपकी विंडोज डाउनलोड होने लगेगी। अब चलते हैं अपने तीसरे वाले तरीके के ऊपर, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया और सबसे आसान है, मैं आपको सलाह दूंगा आप इसी का इस्तेमाल करना। यहाँ पे क्या होगा कि डाउनलोड विंडोज 11 इंस्टॉलेशन डिस्क इमेज यानी कि आईएसओ, मतलब हमें विंडोज 11 की आईएसओ फाइल को डाउनलोड करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपकी आईएसओ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे आइए, आप विंडोज 11 सेलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपके पास और ऑप्शन आने चाहिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे हम इंग्लिश इंटरनेशनल सेलेक्ट कर लेते हैं, कंफर्म, कंफर्म पे क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन आएगा कि 64 बिट है विंडोज 11 का, इसको डाउनलोड पे क्लिक करिए। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपकी ये विंडोज 11 की आईएसओ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको ये आईएसओ फाइल कुछ इस तरीके से दिखेगी। आगे आपको इसे पेन ड्राइव में बूट करवाना है, फिर उसी पेन ड्राइव को कंप्यूटर में बूट करवाना है, फिर इंस्टॉलेशन करनी है, जिसके लिए मैंने आपको बताया, सबके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, सो एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी मैं अब आपसे यहीं पर इजाजत चाहता हूँ, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई विचार वगैरह हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में प्रस्तुत कर सकते हैं। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।